हेलो दोस्तों, देखिए नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग की प्रगति देखो, इसके मेन मेन फैक्ट है, इनको देख लेना। तो लर्निंग के फैक्ट देखिए नेचर में, फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज द एडेप्टेशन इन एडजस्टमेंट, यानी लर्निंग क्या है, एडेप्टेशन भी है और एडजस्टमेंट भी है। ये आपको लर्निंग क्या है, एडेप्टेशन भी है और एडजस्टमेंट में। सेकेंड पॉइंट देखिए लर्निंग इज द इम्प्रूवमेंट, यानी लर्निंग में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जाता है, इम्प्रूवमेंट यानी सुधार किया जा सकता है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी लर्निंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव को ही व्यक्त करने की एक पद्धति है। लर्निंग ब्रिंग्स द बिहेवियर इन चेंज, लर्निंग में हमेशा व्यवहार को बदलाव ला सकती है, लर्निंग हमेशा व्यवहार में क्या ला सकती है, बदलाव लाती है। लर्निंग इज द एक्टिव, लर्निंग क्या होती है, हमेशा एक्टिव होती है, पैसिव नहीं होती है, एक्टिव होती है। लर्निंग इज द गोल डायरेक्टेड, लर्निंग क्या होती है, गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड होती है, लक्ष्य पे आधारित होती है। तो लर्निंग को, लर्निंग इज द यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस, ये क्या होती है, सार्वभौमिक होती है और लगातार कंटिन्यूस सतत चलने वाली होती है। तो ये पॉइंट तो आपको नेचर ऑफ द लर्निंग की फैक्ट है, लर्निंग इज द एडेप्टेशन एडजस्टमेंट, लर्निंग इज द इंप्रूवमेंट, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस, लर्निंग ब्रिंग्स बियॉन्ड द चेंज, लर्निंग इज द एक्टिव, लर्निंग इज द गोल डायरेक्टेड, लर्निंग इज द यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस, लर्निंग इज द प्रोसेस। तो ये पॉइंट आपको एग्जामिनर दे सकता है, इसमें से आपको चेंज कर देगा, जैसे लर्निंग इज द पैसिव, तो ये आपका नहीं होगा, पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है, लर्निंग की प्रगति कैसे होती है ये देखना। अब इसके बाद देखो लर्निंग ऑफ द प्रोसेस, यानी लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है, तो इसको देखो लर्निंग का प्रोसेस तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मोटिव, किसी चीज को पाने के लिए मोटिव होना चाहिए, ड्राइव, इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, ड्राइव। सेकेंड नंबर गोल, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स यानी बाधा, जिसको ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक्स एंड बाधा और बैरियर एंड बाधा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है लर्निंग में, पहला होता है मोटिव, मोटिव क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, इसको ध्यान रखना, मोटिव क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। इज द डायनेमिक्स फोर्सेस दैट द एनर्जिक्स इनर्जिक्स एंड ब्यूजर एंड कंप्लीट इन द इंडिविजुअली टू एक्ट। तो देखो ये क्या होता है, ये डायनेमिक्स होती है, यानी व्यक्ति को क्या करती है, डायनेमिक्स करती है, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उसको लालसा प्राप्त करती है। तो मोटिव होता है चालक, है ना, चालक बोलते हैं इसको। ये क्या होती है, डायनेमिक्स फोर्सेस द एनर्जी, यानी किसी चीज को प्राप्त करने की ऊर्जा व्यवहार में उसको प्रदान करती है, यानी डायनेमिक्स इसको प्राप्त करने की उसको लालसा उत्पन्न कराती है। सेकंड पॉइंट देखिए गोल, ये लक्ष्य क्या होता है, ये लक्ष्य होता है जीवन में अचीवमेंट, अचीवमेंट यानी उपलब्धि प्राप्त करना, एंड सेट देन द लर्निंग बिकम्स। अब देखो इसका प्राप्त करने का उद्देश्य इसलिए होता है कि पर्पस ऑफ द इंटरेस्टिंग, वो क्या करे, इसमें रुचि ले, यदि उसमें रुचि नहीं होगी तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट देखिए ऑब्स्टिकल्स, बाधा, ये बाधा क्या होती है, देखो जब व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में क्या आती है, बाधाएं आती है, तो लास्ट में क्या आती है, बाधाएं, फिर उसको बाधा को पार कर जाता है तो वो क्या प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ऑब्स्टिकल्स भी कह सकते हैं, बैरियर भी कहते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, कीप्स अस द अवे फ्रॉम द अटेनिंग द गोल, यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तत्पर तैयार करता है। और देखिए द ऑब्स्टिकल्स यानी बाधा इज द पाथ ऑफ द गोल, ये मतलब लक्ष्य के रास्ते में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। विल सेट इन द यू मैक अप एंड डिफिशिएंसी एंड द यू अवे द प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट, ये व्यक्ति को क्या करती है, एक इसी चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है और उसके रास्ते में क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है। लेकिन व्यक्ति इसको क्या कर लेता है, प्रैक्टिस एंड कोचिंग के माध्यम से इसको बाधा को दूर कर लेता है और लास्ट में जाके अपने आप को क्या प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये तीन चीज होती है लर्निंग प्रोसेस, मोटिव्स, गोल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो ओके, और देखिए अभी तो और कौन ट्रैक है थोड़े बीच में, थ्री मेन्स लर्निंग ऑफ द थ्योरीज, यानी तीन मुख्य सिद्धांत होते हैं, अधिगम के थ्योरी होती है, सिद्धांत होती है। एक होता है बिहेवियरिज्म, ये आया हुआ है जब मैंने अभी दो संस्कृत विभाग में इसको पूछा था डायरेक्ट कि बिहेवियरिज्म क्या है, ये डायरेक्ट पूछ लिया कि पर्स्यू ओनली ऑन द ऑब्जेक्टिव लर्निंग एस्पेक्ट, इनमें से तीनों दे दिए थे, कॉन्जेक्टिव दे दिया, कंस्ट्रक्टिविज्म दे दिया, तो बिहेवियरिज्म, तो क्या हो जाएगा इसमें, बिहेवियरिज्म हो जाएगा। पर्स्यू ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एस्पेक्टिंग, तो ये होता है बिहेवियरिज्म, है ना, व्यवहारवाद ऑब्जेक्टिव। सेकंड नंबर कॉन्जेक्टिव, ये होता है लुक बियॉन्ड द बियोलॉजी टू एक्सप्लेन द ब्रेन पैसिव लर्निंग, ये दिमाग की उपज के आधार पर होता है व्यवहार में, है ना। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, जबकि इसमें ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन ब्रेन पैसिव के आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म, ये क्या होता है, एज ए प्रोसेस इन द विच द लर्नर्स एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट्स
एंड बिल्ड द न्यू आइडिया एंड कंसेप्ट, यानी व्यक्ति को नई चीज को और दिमाग को कंसेप्ट की अवधारणा उसको लिए प्राप्त करने के लिए उसको रचना संज्ञानवादी या रचनावादी उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू आइडिया एंड कंसेप्ट, इसमें ब्रेन बेस्ड लर्निंग हो जाएगी, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शन एक्सपेक्टिव हो जाएगी। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर।